टाइम कि अपनी वाइफ को खुश किया जाए, बेस्ट। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आज शिकागो में बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। बाहर देखिए कितनी बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। वेदर वार्निंग आ रखी है कि बहुत ठंड पड़ेगी, और ठंड के मौसम में स्ट्रीट फूड खाने का मजा कुछ और होता है। लेकिन स्ट्रीट फूड में चाट पकौड़े अनहेल्दी हो जाते हैं, तो मेरा मन किया क्यों नहीं कुछ हेल्दी बनाया जाए। पाव भाजी बनाऊंगा मैं, और विंटर की सारी सब्जियां यूज करके उसको बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देंगे, और सिंपल स्टाइल में जल्दी से बन जाएगी। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे पाव भाजी बनाता हूँ अपने स्टाइल से। तो पाव भाजी बनाने के लिए हम लोग को चाहिए एक बड़ा प्याज, थोड़ी सी फूल गोभी, एक शिमला मिर्च, एक गाजर, हरी मिर्ची क्योंकि मैं लाल मिर्ची डालना पसंद नहीं करता, गार्लिक, अदरक, टमाटर, हरी धनिया, उबले हुए आलू, मटर और पाव। ये मेरी फ्रोजन मटर है, इसको मैंने पानी में भिगो लिया है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट माइक्रोवेव करूंगा और उसके बाद इसको क्रश कर लूंगा। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं सारी सब्जियों को अच्छे से चॉप करूंगा। कई लोग चॉपिंग करते करते कुकिंग करते हैं, मुझे पर्सनली पसंद है मैं सारी चॉपिंग एक साथ कर लूं फिर आराम से कुक करूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे चॉपिंग करता हूं पाव भाजी के लिए। मैं अदरक और लहसुन को ऐसे बिल्कुल पतला पतला काट लूंगा पहले। अब मैं हरी मिर्च काटूंगा। मैंने हरी मिर्च लंबी वाली ली है, ये कम तीखी होती है, और इसको मैं बहुत ज्यादा फाइन नहीं, एक रफली आपको चॉप करनी है। मैं सारी चॉप हुई सब्जियों को एक अच्छे से प्लेट में रख लेता हूँ। इजी रहता है कुकिंग टाइम पर, एक केवल प्लेट उठानी है आपको। तो गाजर को मैंने ऐसे पतला पतला काट लिया है, और अब मैं इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगा। प्याज को भी ऐसा नॉर्मली थोड़े थोड़े शेप में काट लेंगे। बाकी की सब्जियां भी हम लोग ऐसे ही चॉप कर लेंगे। गोभी को ऐसे कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसको पकाने में बहुत टाइम ना लगे। तो यहाँ पे चॉपिंग फिनिश हो गई है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये टमाटर है, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, दो उबले हुए आलू को मैंने मैश किया है, मटर को मैंने बॉईल करके और हल्का सा रफली मैश कर लिया है, गोभी को मैंने कद्दूकस किया है। आप चाहें तो बहुत पतला चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कुकिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। और गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पतला पतला सा थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा काट लिया है और थोड़ी सी धनिया काटी है। तो चॉपिंग पूरी हो गई है, स्टार्ट करते हैं बनाना। पाव भाजी को आप तेल में बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं, दोनों को मिक्सचर बना सकते हैं। मुझे सब्जियों को तेल में पकाना पसंद है, और थोड़ा सा मैं बाद में बटर ऊपर से डालता हूँ। आप चाहे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा कड़वा तेल ले रहा हूँ और उसको हीट कर रहा हूँ। मैंने गर्म तेल में थोड़ा सा जीरा और हींग डालना हूँ, इससे डाइजेस्टिव वैल्यू खाने की थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऑप्शनल है। मैं गर्म तेल में अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालूंगा और इनको अच्छे से पकाऊंगा। मिर्चा अदरक पक चुकी है, मैं इसमें इसमें प्याज ऐड करूंगा। मैं गाजर भी डाल रहा हूँ साथ में, गाजर भी पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है। करीब प्याज और गाजर मेरी 70% पक चुकी है, मैंने इसमें टमाटर मिक्स कर दिया है, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। थोड़ा सा नमक डाला है सब्जियों के हिसाब से। मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगा अच्छे से कलर के लिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगा। आपको तीखा पसंद है आप ज़्यादा लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो देखिए टमाटर भी पक चुका है, अब मैं इसमें मैश आलू को मिक्स करूँगा, और साथ में मैं इसमें मिलाऊंगा क्रश की हुई मटर, और करीब इसको मैं अब 2 मिनट पकने दूंगा। मैं इसमें सिर्फ MDH का पाव भाजी मसाला डालता हूँ, करीब मैं इसमें 4 चम्मच डालूंगा, और इसके अलावा मैं इसमें कोई और मसाला नहीं डालूंगा। अब
अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिला लूँगा कंसिस्टेंसी के हिसाब से, और मसाले को थोड़ा पकने दूंगा। तो मेरा मसाला पक चुका है, अब मैं इसमें अपनी कद्दूकस की हुई गोभी मिलाऊंगा और लास्ट में मैं शिमला मिर्च डालूंगा। शिमला मिर्च ज़्यादा पकाता नहीं हूँ ताकि इसकी क्रंचनेस बनी रहे। मैं नमक डालूंगा स्वाद अनुसार चौपाटी का मजा देने के लिए। इसमें दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं, एक है देखिए टोमेटो केचप जो मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगा, आप टोमेटो प्योरे भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें। थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें टैमरिंड सॉस डालूंगा। अब मैं इसमें पनीर और धनिया भी मिक्स कर दूंगा। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूंगा और इसके बाद इसको ढक के पकने दूंगा करीब 10 से 15 मिनट। तो देखिए भाजी पूरी तरीके से पक के तैयार हो चुकी है, अब इसमें सिर्फ नींबू डालना है और ये रेडी है। चलिए पाव सेक लेते हैं। नॉनस्टिक पैन पर मैं थोड़ा सा बटर डाला है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला छिड़क दिया है और पाव को मैंने इस तरीके से चीर लिया है देखिए, और अब मैं इसको सेकूंगा। थोड़ा सा बटर मैं पीछे भी लगाऊंगा। ये देखिए मसाला इस पर चिपका हुआ कितना अच्छा टेक्सचर दे रहा है। तो ये पाव भाजी रेडी है सर्व करने के लिए। मैं थोड़ा सा भाजी में ऊपर से बटर डालूंगा। पाव भाजी रेडी है, टाइम कि अपनी वाइफ को खुश किया जाए, उसको बुला के टेस्ट कराते हैं। टेस्ट अच्छी लगी? अमेजिंग है। सो तो आज मुझे चूज किया गया था फूड को टेस्ट करने के लिए। वैसे तो मैं हर बार ही टेस्ट करती हूँ, बट बहुत अमेजिंग पाव भाजी बनी है। मैं 2013 में मुंबई गई थी फॉर वन ऑफ माय इंटरव्यूज, एंड वहां पे मैंने चौपाटी पे पाव भाजी खाई थी। अगर मैं उसका टेस्ट अभी भी सोचू ना तो मुझे ड्रूलिंग हो जाती है, एंड आज ये पाव भाजी खा के वैसी वाली ही फीलिंग आ रही है। बहुत अमेजिंग बनी है एंड बहुत सिंपल है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, और अगर आपको हमारे चैनल पे अच्छा लगता है, हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कुकिंग अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छी लगी तो उसको थम्स अप जरूर दीजिएगा। यस, टेक केयर, बाय।